नमस्कार जी हिंद दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को अपडेट लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत मैं आज आप सभी लोगों से एमपी बोर्ड 12th के रिजल्ट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि आखिर एमपी बोर्ड 12वीं क्लास का रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर एमपी बोर्ड 12th क्लास का रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट आखिर किस प्रकार से बनेगा, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे क्या सभी छात्र इस बार पास होंगे या फिर कुछ छात्रों को कंपार्टमेंट यानी कि सप्ली एंट्री भी फेस करनी पड़ सकती है। डिटेल में चर्चा करेंगे, वन स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीजें क्लियर कराएंगे। तो आपसे गुजारिश होगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देनी है। तो आपसे गुजारिश होगा, जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं, जो भी हो एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं से संबंधित है, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लीजिए, ताकि आपको एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास के रेगुलर अपडेट्स प्राप्त हो सकें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, सभी लोगों को खुशी होगी कि एमपी बोर्ड के साथ साथ सभी राज्यों के स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की ओर से 12th क्लास को भी पास कर दिया गया है, उनके एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एमपी बोर्ड 12th क्लास का रिजल्ट किस आधार पर बनने वाला है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा असमंजस इसी बात पर है, क्योंकि 12th क्लास की जो परसेंटेज बनेगी उसके आधार पर काफी सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं जो कि 12वीं के परसेंटेज पर ही आधारित होते हैं। अगर मैं कुछ उदाहरण दूं तो जैसे कि एयरफोर्स हो गया, एयरफोर्स में 60% मार्क्स वाले उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकेंगे। नेवी हो गया, नेवी में जो AA की वैकेंसी है उसमें भी 60% से अबव वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जैसे कि DU यूनिवर्सिटी हो गई, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 90+ परसेंटेज होना अनिवार्य है। तो ऐसे सभी जो परसेंटेज आधारित आप लोगों का सिलेक्शन होता है, उन सभी में आप लोगों का किस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा। यदि प्रमोशन होता है तो यहाँ पर दोस्तों वास्तव में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी जो योग्यता है वो निखर के सामने नहीं आ पाती, तो ऐसे में सरकार का क्या फैसला है। सबसे ज़्यादा जटिल यही सवाल है कि आखिर रिजल्ट किस प्रकार से बनने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एमपी बोर्ड के द्वारा लगातार मीटिंगें चल रही हैं इसी बात पर कि रिजल्ट कैसे बने। कुछ सुझाव सामने ये आए हैं कि एमपी बोर्ड के अंतर्गत जो प्री बोर्ड कराए गए हैं, क्योंकि प्री बोर्ड ही बोर्ड का एक प्रारूप तरीके का एग्जाम होता है जिसमें छात्र को बिल्कुल बोर्ड वाला माहौल देखने को मिलता है। तो बोर्ड का जो प्रारूप है यानी कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर ज्यादा फोकस है, सभी स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कराए गए हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा यही निकल के आ रहा है कि प्री बोर्ड को देखते हुए आप लोगों का रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा हद तक आप लोगों की जो परसेंटेज है वो निर्धारित होने वाली है। अब देखना ये होगा, जैसे 10th क्लास में हाफ ईयरली को मेन बनाया है, उसी प्रकार से 12th क्लास में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को मेन बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, जिन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, उन सभी लोगों को एग्जामिनेशन का जो मेन है उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही काफ़ी सारा यहाँ पर पैटर्न होने वाला है, जैसे 10th में हुआ इसमें कोई शक नहीं है, प्री बोर्ड का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेयर होगा। उसके बाद आप लोगों का यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी इसमें शामिल होगा, और जो आप लोगों की करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंटरनल असाइनमेंट है उसके भी आपको कुछ प्रतिशत मार्क्स मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जैसी मार्कशीट अब तक आती है उसी प्रकार से इस बार भी मार्कशीट आएंगी, आपको ग्रेड का सिस्टम नहीं मिलेगा, बकायदा आपको मार्क्स यानी कि नंबर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में फाइट करने में आसानी हो। सबसे बात करेंगे तीसरे प्रश्न के ऊपर, क्या इस बार सभी छात्र पास होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% श्योर इस बार सभी छात्र पास होने वाले हैं, कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, क्योंकि जनरल प्रमोशन का सबसे पहला नियम कि सभी छात्रों को इस बार पास किया जाए। वो अलग बात है कि छात्रों को यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट रहने वाला है वो पिछले 3 साल की अपेक्षा 1 से 2% ही बढ़ने की संभावना है। यानी कि आप सभी लोगों का एवरेज रिजल्ट तो सबका आएगा, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की होगी उनको बाकायदा फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने हाफ ईयरली या फिर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं उन लोगों को 33% मार्क्स भी दिया जाएगा, और जो लोग संतुष्ट नहीं है कि नहीं हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारे मार्क्स और ज़्यादा आने चाहिए थे, तो उन सभी लोगों को दोबारा से मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कुछ और भी सवाल, जैसे कि छात्रों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट मैं आपको क्लियर करा दूं दोस्तों, जून के महीने में रिजल्ट नहीं आने वाला, मैं लगातार आपको बताते आ रहा हूँ। कुछ यूट्यूब चैनलों की वजह से आप लोग भ्रमित हैं कि आप लोगों का रिजल्ट जून में आएगा, क्योंकि दोस्तों जून के आखिरी तक सभी शिक्षकों को अपने मार्क्स स्कूल में भेजने हैं। और यहां पे एक बात मैं आपको और बता दूं, रिजल्ट आप लोगों का तभी घोषित होगा जब यहां पे आप लोगों के जो पूरे मार्क्स है वो सिस्टम पे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जब रिजल्ट जारी होगा, अगर आपको उससे संतुष्टि नहीं होती कि नहीं
मैं यहाँ पर संतुष्ट नहीं हूँ इन मार्क्स से, तो आपको दोबारा से एक मौका दिया जाएगा ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का, जो कि अगर आप इच्छुक हैं तो ही दे सकते हैं, अन्यथा कोई कंपलसरी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंतर्गत जो मेन सवाल है उन सभी सवालों के जवाब मैंने आप तक पहुँचाने के प्रयास किया है वो आप तक पहुँच गए होंगे। वीडियो को पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। आप लोग लाइक करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए।